आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दुगरवाड़ी वाटरफॉल जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबक तालुका में स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको दुगरवाड़ी वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारे तो दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, वाटरफॉल विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है, रास्ता कैसा है वाटरफॉल तक पहुँचने का, तो बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में दुगरवाड़ी वाटरफॉल के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और दुगरवाड़ी वाटरफॉल को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुगरवाड़ी वाटरफॉल और अभी हम लोग जहाँ पर रुके हैं यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वाटरफॉल और हम लोग खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, ये हमारी स्कूटी है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा खेत है, सितंबर का महीना है, पूरा खेत का पूरा सब एकदम मस्त हो गया है। ये सामने के माउंटेन रेंज, ये सामने जो दिख रहा है ये है ब्रह्मगिरी पर्वत और इस साइड ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये सामने का पूरा नज़ारा है और क्लाइमेट मस्त है, आज का बारिश बिल्कुल नहीं है। तो 2.5 किलोमीटर कुछ बचा है हमारा अभी दुगरवाड़ी पहुंचने के लिए। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है जिसमें दिया गया है कि हरियर फोर्ट इस साइड है, यानी कि ये जो रास्ता जाता है आपको लेना है लेफ्ट साइड, और आपको दुगरवाड़ी जाना है तो आपको सीधा लेना है। तो वैसे तो गूगल मैप पे इसका लोकेशन बराबर है लेकिन तभी भी आप इससे पहचान सकते हो। तो रास्ता ठीक ठाक है जैसा कि आप देख सकते हो, ये देख लीजिए रास्ता, देख लीजिए आप। तो जो लास्ट 2.5 किलोमीटर का रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है, बाकी तो रास्ता पूरा एकदम मस्त है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दुगरवाड़ी वाटरफॉल, मतलब अभी पार्किंग पॉइंट है वहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए ये पार्किंग है दुगरवाड़ी वाटरफॉल का। बाइक का है 30 रुपया, कार चाहे कितने मित्रा, कार चाहे 50 रुपये, और यहाँ पर एंट्री फी भी पे करना पड़ता है 30 रुपया पर पर्सन। तो पार्किंग का पैसा हमने पे कर दिया है, साथ में एंट्री फी भी पे कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ गूगल पे नहीं चलता तो आपको कैश देना पड़ेगा, तो कैश कैरी करना, पर पर्सन 30 रुपये है। और दूसरी बात है कि यहाँ से हमको और 400 मीटर मेरे को लगता है 10 से 15 मिनट चल के जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर खुद की गाड़ी से आए, तो गूगल मैप पर आप डालोगे दुगरवाड़ी वाटरफॉल तो बराबर आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो कैसे आना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको आना पड़ेगा नासिक रेलवे स्टेशन, नासिक रेलवे स्टेशन से आपको बस पकड़नी पड़ेगी त्र्यंबकेश्वर से, जो आपको स्टेशन के बाहर बस स्टॉप है वहाँ से मिल जाएगी। फिर त्र्यंबकेश्वर से इसका डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, तो त्र्यंबकेश्वर से आपको ऑटो बुक करना पड़ेगा, ऑटो वाला आपको लाने और छोड़ने यानी कि दोनों का आपका लगभग 500 या 600 रुपये ले लेगा, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा क्योंकि 8 किलोमीटर है। तो बेसिकली आपको आप क्या कर सकते हो, अगर आप त्र्यंबकेश्वर घूमने आते हो तो आप ये वाटरफॉल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दुगरवाड़ी वाटरफॉल जो है वो नासिक का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, जितने भी नासिक कर है वो भी मोस्टली वाटरफॉल को विजिट करते हैं। और जो वाटरफॉल है ये सीजनल वाटरफॉल है, यानी कि जब तक मानसून सीजन रहता है महाराष्ट्र में, यानी कि जून एंडिंग से लेकर सितंबर एंडिंग तक, यानी कि 3 से 3.5 महीने के आसपास, तब तक ये वाटरफॉल एक्टिव होता है, उसके बाद पानी पूरा सूख जाता है। तो मानसून में ही आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर और एक बोर्ड आ गया जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे छोटा सा दुकान भी है जहाँ से आप कुछ ले सकते हो खाने पीने के लिए। तो चलो चलते हैं आगे यहाँ से। ये देखिए रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, मस्त है एकदम, कितनी शांति है यहाँ पर। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दुगरवाड़ी वाटरफॉल। तो बेसिकली ये व्यू पॉइंट है वाटरफॉल देखने का, तो मैं कैमरा घुमाता और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने दुगरवाड़ी वाटरफॉल, द माइटी दुगरवाड़ी वाटरफॉल, क्या खतरनाक फोर्स है इस टाइम पे भी सितंबर के महीने में, देखिए सही है। और पानी देखिए कितना सफ़ेद है पानी इसका। दुगरवाड़ी वाटरफॉल के पीछे जो आप माउंटेन रेंज देख रहे हो, तो काफ़ी कुछ ऐसे फोर्ट्स है जो मैंने ऑलरेडी किए हुए, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है ये है फानी हिल्स, और इसके ठीक सामने यानी कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है हरियर फोर्ट,
और इसके इस साइड है ये है ब्रह्म पर्वत। और थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा देता हूँ तो इस साइड देखिए, ये है भास्करगढ़ और यहाँ पर है उतवड़ करके। तो मैं लिंक आपको दे दूँगा, हरियर फोर्ट का मैंने रिसेंटली किया था तो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। तो ये जो वाटरफॉल है उसके आप नीचे भी जा सकते हो, तो अभी हम नीचे जाने वाले हैं, उसके लिए ऐसा रास्ता बना है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, तब तक यहाँ का आप ड्रोन शॉट इन्जॉय करो, काफ़ी मस्त ड्रोन शॉट लिया हमने। कि नीचे जाना तो ठीक है, बट अगर ऐसे टाइम पे अगर आप आते हो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही हो, वाटर फॉल्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर आप जाओगे तो काफ़ी रिस्की होगा, आपका जान का भी खतरा है। तो यहाँ पर 2022 में कुछ 21 या 22 लोग फंस गए थे, तो उनमें से एक की मतलब जान चली गई थी और 20 लोग को बचा लिया गया था। तो ऐसा रिस्की है मतलब, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीचे तभी जाना जब बिल्कुल बारिश ना हो और एकदम होश कम हो। तो इस टाइम पे बिल्कुल बारिश नहीं है, होश भी कम है, तो ये बेस्ट टाइम है नीचे जाने का। और जहाँ तक जाना सेफ रहेगा वहीं तक आपको जाना चाहिए, हम भी वहीं तक जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, ट्रेक कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेक रास्ता है अभी ये, जैसे कि आप देख सकते हो। तो संभल संभल के जाना है आपको, ज़्यादा घाई ना करें, और अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर है जिनने कभी ट्रेकिंग नहीं किया तो उनको नीचे ना लाए, उनको आप व्यू पॉइंट तक ही आप रोक दें, और जिसको ट्रेकिंग करना है वो नीचे तक आए। तो हम लोग पूरा नीचे उतर गए हैं, लगभग हमको आधे घंटे लगे उतरने के, लेकिन जो वाटरफॉल जहाँ पे गिरता है वहाँ तक अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं है। ये आप देख सकते हो ये पानी है जो वाटरफॉल का आ रहा है अभी भी, और हमको थोड़ा आगे जाने का है। तो ये वाटर स्ट्रीम के साइड से रास्ता है जाने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो अब तक हम लोग साइड से चल रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो ये साइड से रास्ता था जाने का। अब हमको ये जो वाटर फ्लो है या नदी बोल सकते हो, इसको क्रॉस करके जाना है। रास्ता देखिए, यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे लोग बैठे हुए, तो इसको क्रॉस करना है। अभी हम लोग सोच रहे हैं क्रॉस करें कि नहीं करें, फ्लो कितना ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई है नहीं बचाने वाला। तो थोड़ा देख रहे हैं, हम लोग सोचते हैं अगर सिंपल रहेगा, अगर हम लोग कर पाएंगे तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर ज़ोर से हो, बारिश हो रही हो, तो सोचना ही नहीं है, यहाँ से वापस चले जाना है ऊपर। मैं तो भूल गया ना, तो काफ़ी समय तक हम वहाँ पर रुके थे और हमने कोशिश की रिवर को क्रॉस करके जाए, बट फोर्स काफ़ी ज़्यादा था तो हमने कैंसिल कर दिया। जान का खतरा हो सकता है, तो आप भी ऐसी गलती ना करें। प्लस हमको रिवर को दो बार क्रॉस करना है, यानी कि ये जो रिवर है इसको घूम के जा रही है, तो दो बार क्रॉस करना है, एक बार ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी कभी आते हो ऐसे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो अपनी जान का ध्यान रखना, गलती मत करना, वाटरफॉल तो आप बाद में भी देख लोगे। तो फिलहाल जो मैंने ड्रोन शॉट लिया है वाटरफॉल का, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप इन्जॉय करो। Thank you.
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो दुगरवाड़ी वाटरफॉल का जो नज़ारा मैंने आपको दिखाया वो आपको पसंद आया होगा, जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय फ्रॉम दुगरवाड़ी वाटरफॉल।